हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू वर्ड सक्सेस में। और यहाँ पे आज जो टॉपिक कवर करेंगे वो पिछले लगभग 10 महीने के जो आसपास में महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए हैं, समझौते हुए हैं, उनको यहाँ पर हम कवर करेंगे। और आप लोग इतना तो जानते हैं कि यहाँ से अक्सर एग्ज़ाम के अंदर एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ, ये समझौता किसके साथ हुआ। तो इसको हम आज कवर करने वाले हैं। और इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप में शाम के समय मिल जाएगी। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और फ्रेंड, आपको बता दूं, मैं अकेडमी पर भी एजुकेटर हूं, तो अगर आप CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं LP की, तो आप मुझे अकेडमी पर जरूर फॉलो करें, क्योंकि आपके लिए जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का कोर्स है आपके लिए मैंने वहां पर बनाया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। MCQ फॉर्म में बनाया है, दोनों लैंग्वेज वहाँ पर आपको मिलती हैं। आप वहाँ पर ये भी चेक कर सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, और साथ में हमने डिस्कशन किया है जो कोर्स के अंदर, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसमें आप ये भी चेक कर पाएंगे कि जो आपकी नॉलेज है वो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो आप वहाँ पर ज़रूर जाएं और उसको कोर्स को ज़रूर विजिट करें, और अगले कोर्स पाने के लिए मुझे वहाँ पर फॉलो भी कर लें। कोई डाउट होता है तो पर्सनली मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपकी मैसेज फैसिलिटी भी अवेलेबल है। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं, भारतीय आर्थिक संघ की 100वीं वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर है गंटूर, और जो कि आप जानते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2017 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये हुआ है गांधीनगर, गुजरात में। क्षेत्रीय प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है सिंगापुर के अंदर। किन दो देशों के मध्य 2 वर्ष बाद वार्ता आयोजित की गई? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है बहुत वर्ष समय के बाद में कि इन दोनों ने देशों ने एक वार्ता आयोजित की है। खाद्य सुरक्षा और पोषण पर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के पहले गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली के अंदर हुआ। प्रथम प्रवासी संसद सम्मेलन का सफल आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भी नई दिल्ली के अंदर हुआ है। भारत और मलेशिया के बीच परंपरागत औषधि पर बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये नई दिल्ली में की गई है। और जब यहाँ पर औषधि की बात आई है, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भारत का जो राष्ट्रीय ड्रग इंस्टीट्यूट होते हैं, जो जिसको हम बोलते हैं औषधि अनुसंधान, तो औषधि अनुसंधान जो है, राष्ट्रीय औषधि अनुसंधान, ये कहाँ पर है? ये लखनऊ के अंदर है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। कई बार इसको आप कन्फ्यूजन में नई दिल्ली लगा सकते हैं या कोई और शहर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं, चौथे अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये राजगीर के अंदर किया गया है, जो बिहार के अंदर आता है। एक सम्मेलन और है, उसकी भी हम आगे बात करेंगे, जो नेपाल में हुआ है। उत्तर कोयल जलाशय परियोजना पर किन दो राज्यों के बीच समझौता हुआ है? तो ये बिहार और झारखंड के जो मध्य ये समझौता हुआ है कि जो उत्तर कोयल जलाशय है, इस पर संबंधित जो भी विवाद था, ये अब समझौता हुआ है बिहार और झारखंड के मध्य। नेपाल चीन क्रॉस बॉर्डर ऑप्टिकल फाइबर का उद्घाटन किसने किया? तो मोहन बहादुर बासनेत ने इसका उद्घाटन किया है। और मोहन बहादुर बासनेत जो हैं, ये एक नेपाल के मंत्री हैं। तो बस इतना ही आपको याद रखना है, मोहन बहादुर बासनेत जो कि नेपाल के एक मंत्री हैं, इन्होंने नेपाल चीन क्रॉस बॉर्डर ऑप्टिकल फाइबर का उद्घाटन किया है। हरबा क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो पाकिस्तान ने ये जो हरबा क्रूज मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण किया है। तो पाकिस्तान से क्वेश्चन एक्चुअली बन सकते हैं, तो हम 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी पाकिस्तान के जो 22वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं, इमरान खान, जो कि एक पूर्व क्रिकेटर हैं, ये आप लोगों को पता होगा। इनकी पार्टी के नाम की अगर हम बात करें, तो तारीख़ इंसाफ इनकी जो पार्टी है, उसके यहाँ पर गवर्नमेंट बनी है। ठीक है, और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं, आरिफ अलवी पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ये तीनों चार क्वेश्चन जो हैं आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। जो जिला सुरंग का उद्घाटन किन्हें जोड़ने के लिए किया गया है? तो श्रीनगर और लेह को, ये जो जिला सुरंग है आपकी, ये जोड़ती है। लेह के बारे में आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। जो लेह है, ये भारत का एक, ये कहें सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है,
सबसे कम वर्षा अगर कहीं पर होती है तो लेह के अंदर होती है। दूसरी चीज़, लेह के जो ये संसदीय क्षेत्र है, ये इस बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो ये लेह ही है। हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल में, ना कि हम यहाँ पर पॉपुलेशन की या वोटिंग की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं क्षेत्र की। तो जो सबसे बड़ा क्षेत्र कवर करता है कोई संसदीय क्षेत्र, तो वो लेह का है। दो क्वेश्चन बनते हैं, सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह और सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र लेह लद्दाख। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, भूमि सीमा के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो भूमि सीमा के लिए जो भी समझौता हुआ है ये म्यांमार के साथ में हुआ है। ऑनलाइन ओनकोलॉजी पाठ्यक्रम को किसने आरंभ किया? तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये ऑनलाइन ओनकोलॉजी पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। और अगर हम बात करें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की, मंत्री हैं हमारे JP नड्डा, ये भी आपको याद रखना है। किन दो देशों ने रोहिंग्या मुस्लिमों के स्वदेश वापसी हेतु समझौता किया? म्यांमार और बांग्लादेश। तो ये जो म्यांमार के रोहिंग्या थे ये बांग्लादेश के अंदर आ गए थे। तो म्यांमार के साथ, म्यांमार और बांग्लादेश में ये समझौता हुआ है रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर। म्यांमार की राजधानी की अगर हम बात करें तो नहीं पता ये राजधानी है इनकी, म्यांमार की। और इसके जो पड़ोसी देश हैं वो मैं बताऊं आपको, तो उत्तर में आता है चीन, पश्चिम में भारत है और बांग्लादेश है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे रहते हैं। और इनकी जो पुराना नाम था, आप लोगों को सुना पता होगा, म्यांमार का बर्मा नाम था पुराना, लेकिन उससे भी पहले जो बर्मा को हम जानते हैं भारतीय नाम से, वो था ब्रह्म देश। कई बार ऐसे नाम एग्जाम में पड़ोसी देशों के पूछ ले जाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा कि ब्रह्म देश पहले म्यांमार को बोला जाता था। किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने, एक्चुअली इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर है कि 1% आरक्षण देने की बात की गई है जो कि महाराष्ट्र सरकार ने की है दिव्यांगों के लिए, ठीक है? दिव्यांगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात यहाँ पर की गई है। किस देश ने अकेलापन दूर करने के लिए एक मंत्रालय का गठन किया है? तो ये मंत्रालय है इंग्लैंड। इंग्लैंड की जो संसद है वहाँ पर उन्होंने ये एक मंत्रालय बनाया है जिसके अंदर जो अकेलापन है, जैसे कोई अकेले, आपने देखा होगा जो ये यूरोपियन कंट्री हैं इनमें थोड़ा सा ज़्यादातर अपने पेरेंट्स को अकेला छोड़ देते हैं, तो इस केस में अगर कोई जैसे पेरेंट्स है या फिर कोई और बुज़ुर्ग आदमी है वो अकेले हैं और उसमें उनकी मेंटलिटी ख़राब हो जाती है, तो उनके लिए जो गवर्नमेंट है कुछ ना कुछ नई नई स्कीम बनाएगी ताकि जो उनका अकेलापन है उसके वो शिकार ना हो। अमेरिका ने किस देश को खाद सहायता पर रोक लगा दी है? तो अमेरिका ने ये खाद जो सहायता देता था पहले फिलिस्तीन के लिए, इस पर अब रोक लगा दी है। भारत ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का कौन सा सदस्य बना है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये 43वां सदस्य बना है ऑस्ट्रेलियन ग्रुप का। साइबर सुरक्षा को सशक्त बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो साइबर सुरक्षित भारत, ये एक अभियान चलाया गया है जिसके तहत भारत को सशक्त बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य में जलापूर्ति के लिए भारत ने विश्व बैंक के साथ समझौता किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने ये अभी जलापूर्ति के लिए जो विश्व बैंक है इसके साथ में एक समझौता किया है, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वह हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कचरा मुक्त शहरों के लिए शहरी स्वच्छ भारत मिशन के तहत किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो स्मार्ट स्टार रेटिंग की शुरुआत की गई है। किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा संवाद इकाई बनाई है? तो ये बनाई है ब्रिटेन सरकार ने। किस महिला इमाम ने भारत में पहली बार नमाज पढ़कर इतिहास रचा? तो केरल की हैं ये और नाम है इनका जमीदा। जमीदा केरल की रहने वाली है, ये पहली ऐसी महिला इमाम है जिन्होंने नमाज पढ़ी। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये शुभारंभ जो किया गया है नई दिल्ली के अंदर से शुरुआत की गई थी, और आपने देखा होगा जो खेलो इंडिया गेम्स हुए थे स्कूल लेवल पर उसके अंदर टॉप पर रहा हरियाणा, और वैसे ज़्यादातर जो खेल हैं इनके अंदर ही हरियाणा ही ज़्यादातर आपको टॉप पर मिलता है। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है, तो चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की संयुक्त रूप से राजधानी है। विश्व की सबसे लंबी जिप लाइन को कहाँ पर खोला गया? तो संयुक्त अरब अमीरात।
तो एक क्वेश्चन आपके माइंड में ऑफकोर्स आना चाहिए कि ये जिप लाइन होती क्या है। तो जिप लाइन के बारे में आपको बताऊं, चलिए थोड़ा सा बता देते हैं। जिप लाइन क्या होता है, एक्चुअली आपने देखा होगा कि जैसे दो पहाड़ हैं, ठीक है, एक इस साइड है, दूसरा दूसरी साइड में पहाड़ होता है, तो इसमें पहाड़ों के बीच में तार लगा देते हैं, ठीक है, और उसमें पुली लगी होती है, आपने फिल्मों में देखा होगा, वो हवा में उड़ते हैं ना, उस दूसरे वाले पहाड़ से उस दूसरे वाले पहाड़ तक जाते हैं, बीच में काफ़ी गहरी खाई होती है, तो वो हवा का सफ़र, हवा का आनंद लोगों के लिए जो महसूस करने के लिए होता है, ये जिप लाइन होती है। तो जो सबसे लंबी जिप लाइन, यानी कि दो पहाड़ों के बीच में जो तार है सबसे लंबा, ये समझिए सीधी भाषा में, वो संयुक्त अरब अमीरात के अंदर है। और यहाँ पे इन्होंने एक और ये कहें कि कारनामा किया है कि जो लोग वहाँ से वहाँ तक जाएंगे, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ी पर, उनको ये पैराशूट भी नहीं देंगे, यानी कि वो मजबूती दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे जो तार हैं, जो हमारी फैसिलिटी हम यहाँ पर दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल से अबव है। मेनका गांधी ने महिला सशक्तिकरण के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो नारी पोर्टल है जो महिला सशक्तिकरण के लिए चालू किया गया है। जनवरी 2018 में भूमि सीमा पार करने के संबंध में किन दो देशों के बीच समझौता हुआ? तो ये फिर से भारत और म्यांमार के बीच में समझौता हुआ है। किन तीन मंत्रालयों ने भारतीय रेल के तकनीकी मिशन हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रेल मंत्रालय, HRD, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इन्होंने एक समझौता किया है। किस राज्य ने अपने नए लोगो में सिंह स्तंभ को दर्शाया है? तो ये है पश्चिम बंगाल। नया लोगो बनाया है पश्चिम बंगाल ने, और उसमें सिंह यानी कि शेर का जो स्तंभ है उसको दर्शाया गया है, बंगाल टाइगर। विश्व के सबसे बड़े सौर पार्क शक्ति स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया है तुमकुल, कर्नाटक के अंदर। भारत इजराइल संबंधों पर किस पत्रिका का शुभारंभ किया गया? तो नमस्ते सालोम एक पत्रिका है जिसका शुरुआत शुभारंभ किया गया था, और इसका शुभारंभ जो किया था वो किया था डॉक्टर हर्षवर्धन ने। वार्षिक सम्मेलन फिक्की फ्रेम 2018 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये हुआ है मुंबई के अंदर। और टीवी मुक्त सम्मेलन कहाँ उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। टीवी मुक्त से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। भारत ने एक डेडलाइन रखी है 2025, 2025 तक भारत को टीवी मुक्त बनाना एक उद्देश्य रखा है भारत सरकार ने, देखते हैं कितना खरे उतरते हैं। असम बसंत महोत्सव किस राष्ट्रीय उद्यान से शुरू हुआ? तो ये मानस है, मानस जो जो राष्ट्रीय उद्यान है ये असम के अंदर है, ये आपको वैसे भी पता होगा, और नहीं पता है तो इसको आप याद रखिए, यहीं से बसंत महोत्सव की शुरुआत की गई है। देश के सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव इंजन 1200 HP का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो ये मधेपुरा जो बिहार के अंदर है वहाँ से इसकी शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के अलीपुर में किस स्मारक का उद्घाटन किया? तो ये डॉक्टर राष्ट्रीय स्मारक का उद्घाटन किया है। महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना का कहाँ शुरू की गई? तो छत्तीसगढ़ के अंदर शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ के अंदर एक योजना और है, वन धन विकास योजना। तो सबसे पहला जो वन धन विकास योजना है इसका जो केंद्र खोला गया है ये भी छत्तीसगढ़ के अंदर खोला गया है, तो ये आपके याद में रखना है। और ये वन धन विकास योजना जो है ये उन उन जातियों के लिए है जो वनों में निवास करती हैं, ठीक है, तो उनके विकास के लिए बेसिकली वन धन विकास योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई है। भारत और स्वीडन के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो नवोन्मेषण साझेदारी के लिए भारत और स्वीडन के बीच में साझेदारी हुई है। पोषण संबंधी चुनौतियों पर राष्ट्रीय परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये विज्ञान भवन के अंदर की गई है, और ये विज्ञान भवन है नई दिल्ली के अंदर। सामान्य सेवा केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो रविशंकर प्रसाद और पीयूष गोयल के द्वारा ये उद्घाटन किया गया। डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये सिंगापुर समझौते के नाम से जाना जाता है, तो सिंगापुर के अंदर हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं आप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और किम जोंग जो हैं वो उत्तर कोरिया के शासक हैं, किम जोंग। तो ये शासक क्या वहाँ पर, ये डिक्टेटर हैं, और इनके और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो एक समझौता हुआ है ये सिंगापुर के अंदर हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट है
अक्सर एग्जाम में आने के इसके चांसेस हैं, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। सिंगापुर के अंदर ये समझौता हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड के साथ में। और इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और अगर और अच्छी वीडियो चाहते हैं आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।